राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम जन्मभूमि परिसर में हो रहे सबसे भविष्योन्मुखी एवं नए निर्माण कार्यों के साथ ही राम मंदिर के भजन एवं कीर्तन मंडप में चल रहे भव्य रागोत्सव कार्यक्रम के विषय में सबसे एक्सक्लूसिव एवं नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करूँगा। दैहिक दैविक भौतिक तापों से परिपूर्ण इस संसार में प्रभु श्री राम ही एकमात्र आशा हैं और सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। अतः प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 27 दिन बीतने के बाद अब राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्यों को पर्याप्त गति प्रदान की जा रही है और अब सेकंड फेज के निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से राम मंदिर के परकोटा एवं प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण कार्यों पर मुख्य फोकस किया जा रहा है। और आप सामने देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर में सबसे भविष्योन्मुखी निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है, जो कि आपने कहीं भी देखा और सुना नहीं होगा कि इस प्रकार के निर्माण कार्य भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में किए जाएंगे, जो कि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना भी साबित होने वाले हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि राम मंदिर का ठीक पश्चिम दिशा में स्थित सबसे पीछे का परिदृश्य है और इस परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का गर्भगृह का परिक्षेत्र आपको दिख रहा होगा और इसी गर्भगृह से बिल्कुल सीध में यानी प्रथम एवं द्वितीय तल के मध्य एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा। और आप सामने देख सकते हैं कि यह कॉरिडोर बिल्कुल गर्भगृह के प्रथम एवं द्वितीय तल के मध्य से निर्मित किया जाएगा। राम मंदिर के ठीक पश्चिमी दिशा के अंतिम छोर पर निर्मित होने वाला यह भव्य कॉरिडोर यानी यह जो गलियारा है, यह काफ़ी अधिक फ्यूचरिस्टिक एवं काफ़ी अधिक भविष्योन्मुखी है, क्योंकि इसके निर्माण कार्यों में अद्भुत इंजीनियरिंग एवं तकनीक का संयुक्त सम्मिश्रण आपको यहां पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी दिशा में बनने वाले इस भव्य कॉरिडोर के रूपरेखा को समझने के लिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना अति आवश्यक है। और इसके निर्माण कार्यों में आप सामने देख सकते हैं कि राम मंदिर के पश्चिमी छोर पर खुदाई का कार्य चल रहा है और बड़ी संख्या में मशीनों के माध्यम से यहाँ मिट्टी को हटा करके रिटेनिंग वॉल एवं फाउंडेशन का काम चल रहा है। और यहीं पर फाउंडेशन स्थापित करने के बाद यहाँ पर पिलर्स स्थापित किए जाएंगे और इसे कॉरिडोर पूरी तरीके से दो मंजिला बनाया जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको परिक्रमा पथ के ठीक ऊपर यानी ऊपरी तल पर एक भव्य द्वार दिख रहा होगा और इसी द्वार के सहारे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना करके इसे एक लंबा रूप प्रदान किया जाएगा, जो कि बिल्कुल कॉरिडोर की तरीके से होगा। और इस कॉरिडोर को बिल्कुल उसी तरीके से निर्मित किया जा रहा है जैसा कि राम मंदिर में टनल यानी सुरंग का निर्माण कार्य हो रहा है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से पिलर्स को स्थापित करने के बाद इस पर बीम ढलाई के बाद छत का निर्माण कार्य होगा और इस प्रकार से दो मंजिला कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा। और इस दो मंजिला कॉरिडोर को सीधे सीधे परकोटा प्रांगण से जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए एक अलग से मार्ग भी विकसित किया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का संपूर्ण परिसर काफ़ी अधिक विशालतम है यानी 75 एकड़ की परिधि में राम मंदिर का संपूर्ण परिसर है। अतः विशिष्ट अतिथियों के आगमन के लिए एक अलग से मार्ग भी विकसित किया जाएगा जहां पर आम श्रद्धालुओं को जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस कॉरिडोर को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आम श्रद्धालुओं को दर्शन में असुविधा से बचाने हेतु किया जा रहा है। और इसका जो सबसे मुख्य कारण है कि राम जन्मभूमि परिसर में आम तौर पर विशिष्ट अतिथियों का आगमन होता रहता है, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण इसमें शामिल होते हैं और इनके साथ ही बहुत से अत्यंत
वीवीआईपी अतिथिगण भी होते हैं जिनके साथ भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद होते हैं और यदि ये राम जन्मभूमि परिसर में सीधे प्रवेश करेंगे तो भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी की वजह से आम श्रद्धालुओं को काफ़ी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं निर्माणाधीन संस्था ने इस कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की एक विस्तृत योजना तैयार की है और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति की बैठक में जल्द ही इस निर्माण कार्यों के विषय में चर्चा की जाएगी कि एक अलग से कॉरिडोर राम मंदिर के ठीक पश्चिमी दिशा में विकसित किया जाए और ऐसी कठिन परिस्थिति में यदि किसी वीवीआईपी का राम जन्मभूमि परिसर में आगमन हो तो इतने अधिक सुरक्षा बलों के साथ राम मंदिर में दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अधिक कठिन होगा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आम श्रद्धालुओं को काफ़ी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट तिथियों के लिए एक अलग मार्ग का निर्माण कार्य किया गया है और आमतौर पर श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः नित्य नए नए मार्गों के निर्माण कार्यों के साथ साथ चौड़ीकरण कार्यों को भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और राम जन्मभूमि परिसर में सबसे पहले मार्गों के निर्माण कार्यों की व्यवस्था पुख्ता तौर पर की जाएगी और यहाँ पर जो भी प्रवेश द्वार निर्मित होंगे उनसे जुड़े हुए संपर्क मार्गों को अब का भी निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि परिसर में तेजी से किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक सभी मार्गों के साथ साथ प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिए जाएंगे और इस कॉरिडोर को बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह आम श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने का ही है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर के नए भविष्योन्मुखी निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अब मैं आपको राम जन्मभूमि परिसर में भजन एवं कीर्तन मंडप में आयोजित होने वाले राग सेवा कार्यक्रम के विषय में विशेष जानकारी प्रदान करूंगा। सामने आप देख सकते हैं कि प्रख्यात सिने अभिनेत्री एवं भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना हेमा मालिनी जी द्वारा शनिवार को श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के समक्ष भरतनाट्यम के विशेष भावपक्ष यानी तिल्लाना के माध्यम से अपनी अद्भुत भावांजलि प्रस्तुत की और उन्होंने अपने विशिष्ट भाव भंगिमाओं से भक्ति के अमूर्त भावों को मूर्त रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की और यह काफ़ी अधिक अद्भुत क्षण था। इस अभिनेत्री द्वारा राम जन्मभूमि परिसर के गुड़ी मंडप के भजन एवं कीर्तन मंडप में मुख्य रूप से राग सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के प्रिय भजन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम पर विशेष नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रख्यात नृत्यांगना ने अपनी भाव भंगिमाओं से संपूर्ण परिसर को मंत्रमुग्ध कर दिया और रामलला को यह रिझाने का जो उत्सव है वह काफ़ी अधिक भव्य एवं अद्भुत तरीके से किया जा रहा है और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कलाकार यानी अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा समेत नामचीन हस्तियों को श्री राम जन्मभूमि परिसर में आमंत्रित किया गया है और वे राग सेवा के माध्यम से प्रभु श्री रामलला को रिझाने में पूरी तरीके से अपने को समर्पण भाव से कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि युवाओं द्वारा रामोत्सव कार्यक्रम का भव्य उल्लास आपको श्री राम जन्मभूमि परिसर में देखने को मिल रहा होगा और सुदूर दक्षिण यानी कन्याकुमारी से लेकर के अयोध्या तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म स्थान हैं सभी स्थानों पर रामोत्सव कार्यक्रम का अलग जगाया गया और इसके पश्चात अयोध्या में इसके समापन कार्यों को संपन्न किया गया जिसे आप देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यात्रा बोले, यात्री बोले, जय श्री राम।
दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले नए भविष्योन्मुखी निर्माण कार्यों के साथ ही राम मंदिर के भजन एवं कीर्तन मंडप में आयोजित होने वाले भव्य रागोत्सव कार्यक्रम के विषय में हमारे द्वारा दी गई एक्सक्लूसिव एवं नवीनतम जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।